वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं आज, और वो क्वेश्चन ये, पॉइंट ए डिवाइड्स द सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 5:1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 6, -4 एंड सी आर 0, 8। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि जैसे कि हम बना लेते हैं, दो पॉइंट है हमारे पास, ये बी ए सी, एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट है कोई ए, जिसने डिवाइड किया है इनको 5:1 पार्ट में। बी का कोऑर्डिनेट है आपका 6, -4 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0, 8। तो ये जो ए का पॉइंट है वो क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x, y। तो x, y अगर निकालना है हमें, तो हम इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है आपका दोस्तों ये, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y का होता है आपका m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये जो m होता है, ये m होता है आपका पहला वाला पार्ट, ठीक है, रेशियो का, और ये होता है दूसरा वाला पार्ट। और x2 और x1 क्या दिखाता है, x2 जो होता है वो, ये आपका पहला पॉइंट हुआ और ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तो ये आपका x1 हो जाएगा 6 और ये आपका -4 y1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये c जो है आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। बस हमें इसे बिठाना है। तो m कितना हो गया 5, x1 x2 कितने हमारे पास 0, n कितना है 1 और x1 कितना है 6, नीचे क्या आएगा 5 + 1। इसी तरीके से y में अगर जाएंगे तो m कितना है 5, y2 कितना है 8, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 1 इंटू y कितना है माइनस डिवाइडेड बाय 5 + 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, नीचे भी 6 हो गया, तो 6 और 6 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और ये कितना आ गया आपको 40 -4 36 डिवाइड बाय 6 6। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट ए। तो बेसिकली इतना ही था, आपको फॉर्मूला मेन सेक्शन फॉर्मूला का याद रखना, अगर ये भूल जाइएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की जरूरत है हमारे फेसबुक पेज में मैसेज करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।